दिस इज ऑसम। हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, लेकिन आई एम अफ्रेड दानिश को समझ नहीं आएगी, उसे कौन बनाएगा? उसे तो मैं ऐसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर दूंगा, अगर थोड़ा भी बिजनेस सेंस हुआ ना, समझ जाएगा। मगर मगर क्या? मगर अनफॉर्चुनेटली तुम्हें दंगा बली को कन्विंस करना होगा। अनफॉर्चुनेटली उसे मेरी कोई सिंपल बात समझ नहीं आती। मैं डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर सकता हूँ, मगर मुझे देखते ही दंगा बली की शक्ल पे ऐसा गुस्सा आता है जैसे दोजख की आग। आई डोंट थिंक ही लाइक्स मी। यही मिला था तुम्हें एंगेजमेंट करने के लिए? वेट अ मिनट फ्रेडी, अगर तुम वाकई समझते हो कि हमें साथ काम करना चाहिए, तो एक तो तुम दानिश के लिए इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ करो, और दूसरा तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैं ना उसकी कोई बुराई सुन सकती हूँ और ना उसके खिलाफ कुछ। इज दैट अंडरस्टूड? यानी सच ना बोलूं? अगर ये तुम्हारे लिए सच है तो फिर हम साथ काम नहीं कर सकते। क्या जबरदस्त बर्गर प्लानिंग की है आपने। आप देखें बेन, नहीं ये नहीं चलेगा, ये लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट है, यहाँ उस किस्म के लोग ही नहीं आते। यहाँ वो कपड़ों की दुकान वाले और ऑफिसेज वाले, वो उस किस्म की क्राउड आती है। अच्छा, और ये सब शोर शाह देख के लोग वैसे भी यहाँ कदम भी नहीं रखने वाले, तो ये बिल्कुल फ्लॉप प्लान है। लेकिन एक बात बताओ, आप दोनों के ख्यालात बड़े मिलते हैं। अब क्या करें,